बजे से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। आप देखते दिनभर की खास खबरें। विदिशा कोटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, सरकारी कर्मचारी बनाने की मांग। किसानों को अपनी फसल की राशि न मिलने से हो रहे परेशान, कलेक्टर को सुनाई अपनी व्यथा, कलेक्टर ने दिया आश्वासन। और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को देखते हुए जिला पंचायत अधिकारियों ने रखी समीक्षा बैठक, जल संग्रह तू तालाब योजना पर हुआ फोकस। अब खबर विस्तार से। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत विदिशा कोटवार संघ द्वारा अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर नायब तहसीलदार केएन ओझा को ज्ञापन सौंपा गया। कोटवारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कोटवारों का कहना था कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए एवं मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जावे और जमीन का हक भी उन्हें मिले। आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या पूरी मांग है आपकी? हमारी दो सूत्रीय मांग है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, जमीन का मालिकाना हक दिया जाए और हमारे प्रांतीय लेवल से आज पूरे मध्य प्रदेश में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, शासकीय कर्मचारी घोषित किया। कितने कर्मचारी हैं आपके यहाँ? यहाँ विदिशा में लगभग कोटवार 240 हैं। हमारे तहसील के जो कोटवार संघ है उनके अध्यक्ष और उनके जो कोटवार साथियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अभी तक उनको जो जिनको सेवा भूमि नहीं मिली है उनको 4,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो मानदेय को 10,000 करने की मांग उनकी है। मुख्य मांग वो चाह रहे हैं कि उनका जो मानदेय है वो 10,000 कर दिया जाए। क्या इनकी मांग जायज़ है या नहीं? अब ये उनके हिसाब से जायज़ है और सरकार के ऊपर है। हम ये ज्ञापन सरकार को भेज रहे हैं और हमारा निवेदन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे सरकार। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में किसानों ने अपनी समस्याओं के चलते कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना था कि उनकी उपज का पैसा काफी समय से अभी तक उन्हें नहीं मिला है, खाते में राशि नहीं आ रही है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अन्यथा हमारा गेहूं वापस हो, किसानों ने कहा, जिसे अन्य जगह बेच देंगे। कलेक्टर ने किसानों की व्यथा सुनकर उन्हें 3 दिन का आश्वासन दिया है, शीघ्र खातों में पैसा डलवाने की बात कलेक्टर ने कही है। आज 5 अप्रैल को किसान ने खरीदी करी है, 5 अप्रैल खरीदी करी है, 1,70,500 का भुगतान जो उसने किया, 1,70 सोसाइटी के ऋण में काटा है सरकार ने। वो कह रहे हैं कि इस खाते में SBI में तुम्हारी लिमिट ही नहीं है, जो कि 20 लाख तक की उसकी लिमिट है खाते की और उसमें 1.5 लाख नहीं डाल पा रहे हैं। अरे बढ़ाने का और आज यहाँ सभी किसान पूरे विदिशा जिले के किसान सब इकट्ठे हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और उन्होंने केवल यही प्रमुख मांगे यही है कि सबसे पहली मांग यह है कि जो गेहूं 4 अप्रैल से किसानों का तुलाई सरकार ने करी है, 4 अप्रैल तुलाई शुरू करी और 25 अप्रैल से पेमेंट शुरू किया गवर्नमेंट ने देना सर किसानों खातों में,
और 15 अप्रैल के हिसाब से केसीसी की जो 0% वाली स्कीम गवर्नमेंट की है जो ड्यू डेट वो 15 अप्रैल के हिसाब से रखी, जब 25 से आप पैसे ही देना शुरू कर रहे हो तो 15 का वो कहाँ से भर देगा पैसा, जब आपको गेहूँ नहीं खरीदना था वो बाजार में बेच देता आपका, वो कहीं इंतजाम करके वो कहीं से भरता अपनी इंतजाम करता। सरकार दावा करती है 7 दिन में पैसा आ जाएगा, और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसका प्रस्ताव बना के पूरे मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ, आपकी तारीख को आगे बढ़वाऊंगा। और जो पैसा रुका हुआ है किसानों का, जैसे सपोज करो कि किसी किसान का 3 लाख का गेहूं तला है, 3 लाख के गेहूं में से 1.5 लाख का उनने पैसा दे दिया किसी दूसरी बैंकों में, कहीं पोस्ट ऑफिस में भेज रहे हैं कहीं। सर मैं लाखन सिंह मीणा हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला विदिशा का संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने राष्ट्रीय किसान मजदूर जिला विदिशा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, जिसमें हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 4 अप्रैल से अभी तक जो गेहूँ का पैसा गेहूँ तोला है वो वापस नहीं मिल रहा है, सोसाइटी हमारी ओवरड्यू हो गई, उन पर हमारे लिए 14% का ब्याज लग रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी इसकी ड्यू डेट 30 जून की जावे, और जे विसंगतियों से हम 1.5 महीने से परेशान हैं, आधा पैसा कट चुका है। कलेक्टर महोदय जी ने जे हमको आश्वासन दिया है, आश्वासन कि मैं ये आपकी बात को ऊपर रखूँगा, इस पर हमारी सब प्रशासन लगा है, हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे जिसका हल निकल सके। महिला टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने स्थान चयनित कर महिला टॉयलेट व्यवस्था प्रारंभ करवाई है। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता की टॉयलेट बनाई जाए। इस मौके पर नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखिए मुख्य बाजार में महिला टॉयलेट हो ये मांग लगातार लंबे समय से नागरिकों के बीच से उठ रही थी। भाई संजू प्रजापति ने बड़ी सादगी के साथ इस मांग को उठाया, और मैं धन्यवाद देता हूँ डीएम साहब को, नगर पालिका परिषद को, कि जिन्होंने इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महिला टॉयलेट का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और शीघ्र ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शहर में 2 जगह और ये सुविधा रहे, एक तो मालवीय उद्यान में बहुत तेज गति से काम चल रहा है, वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। एक बड़े बाज़ार में खाई में जो बना हुआ है टॉयलेट, एक वहाँ शुरू हो जाएगा, एक स्टेशन पे भी बनना है, क्योंकि मेन बाज़ार होने के कारण जो है हमारी माता बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और इस क्षेत्र में व्यापारियों की बड़ी समस्या थी, व्यापारी कहाँ जाएँ इसके लिए परेशान होते थे, यहाँ व्यापारियों के लिए भी ये बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं सभी सामाजिक संगठन और ख़ास तौर पर भाई संजू प्रजापति और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी सादगी के साथ इस बात को प्रशासन के सामने रखा, और प्रशासन ने उनकी मांग पर ये कदम उठाकर यह कार्य बहुत तेज गति से शुरू किया और जल्दी ही शुरू हो जाएगी। संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा दुकानों का किराया 4 गुना अधिक कर नोटिस थमा दिया गया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बन गई थी। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से कोरोना के कारण धंधा चौपट हो गया था, ऐसे में किराया बढ़ाना उनके लिए मुसीबत बन रहा है। भाजपा के वरिष्ठ मुकेश टंडन ने उनकी परेशानी सुनकर कहा कि दुकानों का किराया यथावत ही रहेगा, तब उन्होंने उन्हें साधुवाद दिया। अध्यक्ष साहब से मिले थे, टंडन जी ने हमारा बहुत सहयोग करा उस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि अभी किराया वृद्धि नहीं करी जाएगी। अभी एक तो कोरोना की मार से किराया बढ़ाने की बात कही थी, 4 गुना किराया करने की, और 3% उन्होंने उस पर बोला पंजीयन शुल्क लगाने के लिए बात करी गई थी, जो नोटिस दिया गया था उस पर किराया वृद्धि अभी रोक दी गई है। अभी हमारा किराया 1200 के आसपास है, किसी का 1100 है, किसी का 1189, लगभग 5000 रुपये के आसपास हमारा किराया हो जाता, और टैक्स लगता तो वो हमारे लिए 6000 रुपये हो जाता। हम उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनसे ये और अपेक्षा करते हैं कि इस किराया वृद्धि का जो नियम उन्होंने जो कानून बनाया है उसको वापस लिया जाए, और आने वाले चुनाव में हम उनके सहयोग करेंगे पूरा। किराना व्यवसायी हूँ जी, अभी बात होती थी यहाँ पर जो दुकानें हैं उनका किराया बढ़ाया था 4 गुना कर रहे थे, क्या स्थिति निर्मित हुई है? जितने भी किराएदार भाई हमारे नगर पालिका के, हम सभी लोग माननीय मुकेश टंडन जी के पास गए थे
उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका किराया यथावत रहेगा या स्थगित कर दिया जाएगा। तो आज सुबह सुबह को मेरे पास माननीय मुकेश टंडन जी का फ़ोन आया कि भाई अभी आप यथावत पुराने किराए में ही पुराने किराए जमा करें और अभी स्थगित कर दिया गया है। और पूरे नगर पालिका किराएदार माननीय मुकेश टंडन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोरोना के दो साल जिस तरीके से व्यापारी साथ निकले हैं और जिस तरीके हमारे पास किराए की दुकान है, हम अपनी आय का कुछ हिस्सा इस दुकान में भी लगाते हैं, कहीं रिपेयरिंग करवाते हैं, कहीं लाइट, कुछ ना कुछ खर्चे इस दुकान में लगे रहते हैं, क्योंकि इसका नवीनीकरण हम सौंदर्य बना के रखते हैं दुकानों, किराए की दुकानों का, हम अपनी दुकान समझ के इन दुकान। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रुक जाना नहीं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। सन 2022 में जो विद्यार्थी फेल हो गए थे उन्हें पुनः परीक्षा के लिए प्रेरित करना, फिर से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं, इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य व वरिष्ठ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। ट्रस्ट विद्यालय विदिशा के प्राचार्य इंदुमती खरे बोल रही हूँ। आज यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवनीता पांडे मैडम और उत्कृष्ट विद्यालय के दोनों से सम्मिलित करके एक कार्यशाला समस्त विकासखंड के प्राचार्यों के साथ में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और ये कार्यशाला का उद्देश्य है कि जो बच्चे वर्ष 2022 में अभी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो वो बच्चे रुक जाना नहीं परीक्षा में सम्मिलित हो जाएं, उनके जो बच्चे जिस भी विद्यालय के बच्चे रहे हैं उनको उस परीक्षा में शामिल जरूर कराया जाए, इस उद्देश्य से ये कार्यशाला रखी गई है। और इसका एक और मुख्य उद्देश्य है कि एक और योजना चल रही है कि वर्ष 2022 के पहले जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो वो किसी न किसी कारण से घर बैठे हैं, उनको नहीं मालूम है, तो उनको ये सूचना दी जाए कि ये फॉर्म भर सकते हैं, अब लौट चलो एक योजना है जिसके द्वारा वो फॉर्म भर के और अपनी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उमाशंकर भार्गव ने अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि कार्य समय पर ठीक से करें, अन्यथा कार्रवाई कर FIR दर्ज होगी। सभी आप ये बताओ कब तक एंट्री कर देंगे? ईशा आप बताइए कब तक एंट्री कर देंगे? अभी सर जो मीटिंग में इन्होंने बताया है कि आज एंट्री कर दी, लेकिन उसमें समस्या अपने पकड़ में आई सर, तो सारा डेटा तो एक सर ऐप का नया बदल आ गया, इन्होंने डाउनलोड नहीं किया स्क्रीन पर, तो क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे, कैसे मना किया? बता दिया सर, अभी फिल्टर आ गया, ये सर ये फिल्टर चलिए सर, सर आप ऐसे एक सबमिट को कराइए, जब तक डाउनलोड नहीं हो कोई व्यक्ति से नहीं जाए, डाउनलोड ऑनलाइन प्रोग्रेस पर आपको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, ये सब आप भी समझ लीजिए, है ना। एक चीज और आपको बता दें साहब, कि जो कार्यालय प्रमुख है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, ये आप भी सुन लीजिएगा, मैं आपको प्रबंधी आपको बता रहा हूँ, आपको मेहनत करनी होगी, जितने इंजीनियर सब इंजीनियर है भाई क्यों नहीं आज की खबरों में बस इतना ही, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज, हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।